क्यों आपका हृदय के गहराइयों से अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस वी तिवारी में स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, आपको सर दर्द से संबंधित समस्याएं हैं, आपको अस्थमा की समस्या है, आपको पेट में भारीपन, पैरों में दर्द और इस तरह की तमाम समस्याएं हैं और आप इसके लिए तमाम इलाज भी करा चुके हैं। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत इलाज कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। कभी कभी ऐसी दवाएं मिल जाती हैं कि वो दी जाए तो वो समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जी हाँ साथियों, आज हम होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन की जिक्र करूंगा जो बहुत ही रेयर है और स्पेशली रूप से लीवर से संबंधित, आपके सर दर्द से संबंधित, आपके रिस्पायरेटरी से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जी आज हम बात करेंगे टीलिया की। टीलिया एक ऐसी मेडिसिन है साथियों जो आपके समस्याओं को, वो चाहे लीवर की हो तो, सर दर्द की हो तो, स्टमक की हो तो, अस्थमा की हो तो और दर्द संबंधी समस्याओं की हो तो, देखिए कैसे आपको कितना स्पेसिफिक रूप से सही करती है। साथियों, कभी कभी देखे होंगे कि आपके दाहिने साइड में यानी लीवर के एरिया में बहुत ज्यादा भारीपन रहता है, आपको भारीपन रहता है, दर्द महसूस होती है, टेंडनेस रहता है और जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें यह पाया जाता है कि आपको हिपेटोमेगली है यानी लीवर में सूजन है। कभी कभी वो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का भी हो सकता है। और देखिए इसकी पिक्युलियरिटी कि आप अगर जिधर दर्द है यानी कि जिधर भारीपन है, जिधर लीवर के एरिया में, अगर आप उसी साइड में लेटते हैं, कितनी बड़ी चीज है कि भाई जिधर आपको पेन हो रहा है, जिधर आपको भारीपन है, अगर उसी एरिया में आप लेटते हो तो आपको क्या होता है, आराम मिलता है। और जब आप विपरीत साइड यानी बाएं साइड में लेटते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ती है। ये टीलिया की बहुत ही खास सिम्टम है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस चीज को आप डॉक्टर से जरूर बताया करिए। और खास तौर से हमारे चिकित्सक बंधु जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बात बहुत ही खास होगी कि अगर कंप्लेन लेफ्ट साइड में लेटने के बाद बढ़ रहा है और पेनफुल साइड में यानी राइट साइड में लेटने के बाद घट रहा है तो टीलिया बहुत ही अच्छी दवा है। अगर हम बात कर लें इसके स्टमक की, तो साथियों स्टमक की बात अगर करते हैं तो जो आपके, जैसे मान लीजिए स्टमक के कंप्लेंट है, ध्यान दीजिए कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में भारीपन है, पेट में टेंडरनेस ने, हैवीनेस ने, पेट बहुत कड़ा हो गया और उसका प्रभाव आपके लिंब तक जा रहा, यानी पैरों में भी दर्द हो रही, हाथों में भी दर्द हो रहा, यानी कि ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ योर स्टमक, इफ यू हैव पेन एंड डिसकंफर्टेबिलिटी इन योर लिंब, देन टीलिया इज द बेस्ट मेडिसिन। इसकी बात अगर हम इसके सर दर्द की करें तो फ्रंटल हेडेक साथी होता, सर के अगले हिस्से में दर्द होगा और वो क्या करेगा कि वो आपके नाक तक आएगा, यानी कि रूट ऑफ नोज तक वो आप महसूस करते हैं। और तो और देखिए, अगर आप जरा सा भी आवाज सुन लिए आपका सर दर्द बढ़ जा रहा, आप जरा सा जो है मूव कर दिए, मोशन हो गया, हिला डुला दिए, सर दर्द बढ़ रहा। आपको पेट में अगर गैस बन गई, सर दर्द बढ़ गया। आपको अगर आंखों पर आपने ऐसे ऐसे रबिंग कर लिया तो भी आपका सर दर्द बढ़ जाता। अगर इस पिक्युलियरिटी के साथ आपको फ्रंटल हेडेक हो रहा है तो साथियों ये मेडिसिन सचमुच में रामबाण होगी। कभी कभी साथियों क्या होता है कि हम सर दर्द की बहुत दवाएं खा लेते हैं और आप हमें आराम भी नहीं मिलता, कभी कभी थोड़े बहुत आराम मिल भी जाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो अगर इस तरह के कंप्लेंट हैं तो आप इस दवा को यूज करिए, आपका सर दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। साथियों मैं डोज के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके मुंह की, तो मुंह में साथियों इतना ज्यादा सिलाइवा बनता है कि मुंह हमेशा लार से भरा रहेगा और तो और उसमें कड़वा टेस्ट आएगा, लार आएगा और उसमें
कड़वाहट रहेगी, मुंह का स्वाद आपका बहुत ही बिगड़ा बिगड़ा सा रहेगा। अब अगर हम इसके रिस्पायरेटरी की बात कर लें तो साथियों इसमें अस्थमा, सांस फूलती है और सांस के साथ साथ क्या होता है कि क्रैम्प लाइक पेन इन कार्डियक रीजन, आपके हार्ट साइड में जैसे लगता है कोई चीज चुबा रहा, कोई क्रैम्पिंग हो रही, इस तरह का पेन होगा। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके डोज के बारे में बताता हूं। साथियों विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग यू डज नॉट टेक प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ एनी मेडिसिन, सो डोजिंग इज नेसेसरी फॉर एनी मेडिसिन। आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम डोजिंग के अभाव में ये कह बैठते हैं कि यार ये हमें दवा तो सूट नहीं की, तो आपको दवा सूट की लेकिन आपको डोजिंग आपने सही से नहीं किया। तो बेहतर तो तब होगा जब आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर के अपनी परेशानी को बता करके इसका डोज डिसाइड करें। लेकिन ऐसे जनरली मैं बता दूं कि आप इसे 30 पावर में, अगर एक्यूट एंड इमरजेंसी मान लिया आपको सर में बहुत तेज दर्द हो रही है तो आप क्या करिए कि टीलिया 30 में आप जो है 5-5 बूंद 2-2 घंटे पर जल्दी जल्दी खाइए, आपको देखिएगा कि बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अगर बात आपके लीवर की बात करें तो लीवर में साथियों चूंकि इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो जाते हैं, यानी लीवर में आपके सूजन रहती है, लीवर में भारीपन रहता है, तो आपको 1-2 दिन में रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ दिनों तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, यानी कि आप इस दवा को 3-4 महीने तक लीजिए और फिर आप देखिए कि आपका धीरे धीरे वो सारे कंप्लेंट जो है सही हो जाएंगे। अतः साथियों आप इसके डोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए कि ये रेयर मेडिसिन है और रेयर मेडिसिन के द्वारा जब किसी चीज को हम उस चीज के लिए देते हैं तो वो चीज हमेशा हमेशा के लिए सही भी हो सकता है। साथियों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर SB तिवारी। साथियों क्या आप मेरे चैनल पर भी पहली बार नए आए हैं? साथियों मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको अगर किसी भी चीज को गहराई में जानकारी प्राप्त करना है, YouTube के क्षेत्र में डॉक्टर SB तिवारी एक ऐसा चैनल है जो आपको जीवन जीने से संबंधित उन समस्त जानकारियों को, समस्त जरूरतों की पूर्ति करने की कोशिश करता है। वो चाहे आध्यात्म हो, योग हो, चिकित्सा हो, अवेयरनेस हो, साधना हो और मोटिवेशन हो, यानी कि आपके जीवन के लिए जो जो भी चीजें आवश्यक होती हैं एक व्यक्ति को वो लगभग लगभग आपको सारी देने की कोशिश की जाती है। आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे पेज बने हुए हैं, उस पेज पे जा करके प्लेलिस्ट में देखिए कि आपको क्या चाहिए, किसी भी बीमारी संबंधित उपयोगी सलाह चाहिए आप देख सकते हैं, कोई भी लेटेस्ट योग चाहिए आप देख सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चाहिए देख सकते हैं, सामाजिक सेवा के बारे में देख सकते हैं, यानी कि और आपका मन न लगे तो आपके जीवन संबंधित आपके मानसिक शांति के लिए मेरी रचनाएं, मेरे संगीत आपको बहुत ही सुकून देगा। तो साथियों देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।